स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की जीत के कुछ घंटे बीते भी नहीं कि बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हत्या, लूटपाट, तोड़फोड़, मारपीट और आगजनी की खबरें आने लगी। भाजपा का आरोप है कि चुनाव परिणाम आने के 24 घंटों के भीतर ही उसके 5 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। दर्जनों भाजपा समर्थकों के घरों में तोड़फोड़, पार्टी कार्यालय में आग और दुकानों में लूटपाट की गई है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इस पर शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है। राज्यपाल ने ट्वीट किया कि सूबे के विभिन्न हिस्सों में हिंसा, आगजनी और हत्याओं की कई घटनाओं की रिपोर्ट से परेशान और चिंतित हूं। पार्टी कार्यालयों, घरों और दुकानों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को भी तलब किया है। इसी से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या और कैसे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी समर्थकों व कार्यकर्ताओं को संयमित रहने को जरूर कहा है, लेकिन स्थिति गंभीर है। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और आरोप तृणमूल पर लगा है। वहीं कोलकाता के कुंकुड़गाछी में भी एक भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई है और इस मामले में भी आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि दूर दराज के गांवों के साथ साथ कोलकाता में हत्या हो रही है। चुनाव के दौरान कूच बिहार का शीतल कूची सुर्खियों में रहा था। अब चुनाव परिणाम के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शीतलकुची के छोटे शालबारी इलाके में हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि किसने गोलीबारी की। हालांकि उनके परिवार ने शिकायत की है कि दो समूहों के बीच युवक पर हमला किया गया था। इस हिंसक घटनाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह कानून व्यवस्था के लिए काफी खतरनाक होगा। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस के सामने ही घटनाएं हो रही है, यह और भी चिंताजनक है। वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उनकी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता की हत्या भाजपाइयों ने की है। हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, अन्यथा कोरोना काल में स्थिति और गंभीर हो जाएगी। पैरा ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला कायम रहना अव्यवस्था के अराजकता की हद तक पहुंचने की कहानी कह रहा है। यह शर्मनाक है कि 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गत दिवस कर्नाटक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके पहले इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न अस्पतालों में घट चुकी है, जिनमें
तमाम कोरोना मरीजों की जाने गई हैं। इनमें देश की राजधानी दिल्ली के भी अस्पताल हैं। जिन कोरोना मरीजों को घर पर ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत हो गई, उनकी तो गिनती करना ही मुश्किल है। ऑक्सीजन संकट के मामले में यह देखना हैरान परेशान करता है कि तमाम बड़े अस्पतालों ने भी न तो ऑक्सीजन प्लांट लगा रखे हैं और न ही उसके भंडारण की कोई ठोस व्यवस्था कर रखी है। वे चंद ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं जो संकट के इस दौर में जल्द ही खत्म होने लगते हैं। यही कारण है कि वे रह रह कर ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगाते दिखते हैं। यह और कुछ नहीं अस्पतालों की आपराधिक लापरवाही ही है। सवाल है कि ऐसा कोई तंत्र क्यों नहीं जो इसकी निगरानी करता हो कि अस्पताल जरूरी संसाधनों से लैस है या नहीं। पैरा अस्पतालों के नकारापन के लिए कहीं न कहीं वह तंत्र भी दोषी है जिस पर उनके संसाधनों की गुणवत्ता की जांच परख की जिम्मेदारी है। कम से कम अब तो उसे चेतना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पताल ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज से भली तरह लैस हो, क्योंकि इसका भरोसा नहीं कि संक्रमण की तीसरी लहर कब दस्तक दे दे। ऑक्सीजन की किल्लत के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके प्रशासन के बीच तालमेल का अभाव भी दिख रहा है। भले ही पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की तंगी दूर करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हों, लेकिन यह समझना कठिन है कि रेलवे की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने, उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन का उपयोग रोकने, नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने, ऑक्सीजन कंटेनरों से लेकर सिलेंडरों तक की उपलब्धता बढ़ाने की खबरों के बीच जमीन पर हालात जस के तस क्यों नजर आ रहे हैं। इसकी तो यही वजह नजर आती है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण का कोई सुव्यवस्थित तंत्र नहीं विकसित किया जा सका है। निसंदेह यह भी एक नाकामी ही है। जब हजारों लोगों का जीवन संकट में हो तब तो किसी को खास तौर पर यह देखना चाहिए कि राहत बचाव का काम अपेक्षा के अनुरूप हो रहा है या नहीं। विराम स्टॉप।